नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अल्गो क्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। मेरा नाम है प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास फिनवेशिया का अकाउंट है तो आपको टीओटीपी कैसे क्रिएट करना है और हमारे अल्गो क्रैब के साथ किस तरीके से अपना ट्रेडिंग अकाउंट लिंक करना है ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करने के लिए। बहुत ही आसान प्रोसेस है, 2 मिनट में हो जाएगा, आराम से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वेबसाइट खोलनी होगी फिनवेशिया की, जो कि है शून्य, ठीक है, शून्य.फिनवेशिया.com पर जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल्स डालनी होंगी। ये मेरा अकाउंट आईडी डाल रहा है, मैं पासवर्ड डालता हूँ और यहाँ पे टीओटीपी। यहाँ पे सबसे पहली बार जब आप आएंगे तो जनरेट ओटीपी या गेट ओटीपी से आप ओटीपी क्रिएट कर सकते हो और ओटीपी से अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको जाना होगा यहाँ पे ओटीपी टीओटीपी डालना होगा। जब आप टीओटीपी जनरेट कर लेंगे तो उसके बाद आप टीओटीपी डाल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है तो मैं यहाँ पे टीओटीपी डाल रहा हूँ। बाकी आप गेट ओटीपी से पहली बार लॉगिन कर सकते हो, उसके बाद आगे आपको टीओटीपी वर्क कर जाएगा आपका, ठीक है। ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया। अब देखो यहाँ पर जब मैं खोल रहा हूँ सबसे पहले ये आ रहा है कि वेलकम, अगर आपको टीओटीपी जनरेट करना है तो आप प्रोसीड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे एक स्कैनर खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप डाउनलोड करनी है आपको अपने मोबाइल में, ठीक है। एंड्रॉयड फ़ोन में आपको गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप डाउनलोड करनी है और उसमें एक बटन आएगा स्कैन करने का, उस स्कैनर का खोलना है। उसके बाद ये वाली जो स्क्रीन है इसको स्कैन कर लेना। जैसे ही आप स्कैन कर लोगे वैसे ही आपको डेटा दिख जाएगा और वहाँ पर आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा। वो आपको दिखाएगा कि फिनवेशिया का ये अकाउंट जो आपका लिंक हो गया और उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। अगर ये स्क्रीन आपको नहीं दिखती है जो अभी आई थी, तो आप यहाँ प्रोफाइल में आपको सिक्योरिटी का बटन दिखेगा, यहाँ पर आपको टीओटीपी का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक कर सकते हो तो फिर से ये स्कैनर खुल जाएगा, ठीक है। तो अगर नॉर्मली नहीं खुल रहा तो आप ऐसे इस तरीके से जाके खोल सकते हो। उसके बाद आप इसको आराम से लॉगिन कर सकते हो। अब आता हूँ मैं कि एल्गो क्रैब के साथ इसको कैसे लिंक करना है उस पर। तो वहाँ आपको एल्गो क्रैब लॉगिन करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना एल्गो क्रैब लॉगिन कर रहा हूँ। ये एल्गो क्रैब मेरा लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद ऑथेंटिकेशन पे जाना है, यहाँ पे आपको फिनवेशिया सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ये सारी डिटेल्स जो पहले डाली हुई थी वो आपको टीओटीपी, यहाँ पर एक अपडेट आ गया टीओटीपी का। तो जैसे ही आपका आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पे नया टीओटीपी डाल के अपडेट करना, बस इतना ही है। वैलिडेट टोकन करके चेक कर लेना टोकन वैलिड है या नहीं है। बाकी की ये जो डिटेल्स हैं ये सारी डिटेल आपको शून्य के जो प्रिज्म करके एप्लीकेशन है उसमें मिलती है, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे ऑलरेडी मैंने इसको बनाया हुआ वीडियो। आप फिनवेशिया पर जाएंगे ना, यहाँ पर आप फिनवेशिया लिखिए, सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर ऊपर लॉगिन का बटन आएगा, प्रिज्म में लॉगिन करना है तो prism.finvesia.com ही आ गया। यहाँ पर आप अपनी डिटेल डाल के लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से स्क्रीन खुलती है। इसमें आपको यहाँ पे राइट साइड पर जाना होता है, यहाँ पर API की लिखी होती है, वहाँ पर आप क्लिक करोगे सारी डिटेल आ जाएंगी। दोबारा से जनरेट करना है तो रीजनरेट पर क्लिक कर सकते हो। ये डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाती हैं, यहाँ से आप इन डिटेल्स को यूज़ करके अपना ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो गए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनका फिनवेशिया में अकाउंट है और जिनको टीओटीपी जनरेट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।